एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रही है जी हमारे घर की एक बहुत ही मज़े की सौगात, और आप इसे गर्मियों की सौगात भी कह सकते हैं। जब गर्मियों में सालन खाने को दिल नहीं करता तो आप ये झटपट से बना सकते हैं और आप इसे इंजॉय भी करेंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है बैंगन का रायता। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, तो मैंने यहाँ पे लिया है जी योगर्ट, और योगर्ट मैंने लिया है 1.5 कप, और इसको मैं बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ विस्क से कर लें। मैं यहाँ पे फोक यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा सा इसे फेंट लूँगी। जी, तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जी बैंगन, और बैंगन मैंने मीडियम साइज़ में लिए हैं। बहुत बड़े साइज़ में होगा तो आप एक ही ले लें। अब यहाँ पे चूंकि मीडियम साइज़ का था तो मैंने दो ले लिए हैं, तो अब हम इनकी करेंगे कटिंग। जी, तो इसको हम दरमियान में से इस तरह से काट लेंगे दोनों बैंगनों को। ये देखें जी, इस तरह से दोनों बैंगनों को हम इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से ये हो गया जी। और अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे लहसुन के जवे, दो इसके अंदर और दो इसके अंदर। चले जी। जी, तो दो बैंगन जिनको मैंने काट के उनके अंदर लहसुन के जवे रख लिए हैं, और दो मैंने टमाटर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम इनके ऊपर ऑयल जो है उसका कोट कर देंगे, टमाटरों के ऊपर भी एंड इन द सेम वे बैंगनों के ऊपर भी। उससे क्या होगा कि जब हम इसको गैस पे भूनेंगे तो ये इसकी जो स्किन है वो आराम से जो है वो आग पकड़ेगी और जल्दी से ये भुन जाएंगे। चलें जी। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टोव ऑन कर लिया है और उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड रख लिया है। आपके पास भी इस तरह की कोई भी चीज़ हो आप रख सकते हैं। उसके ऊपर अब हम ये बैंगन जो है वो रख देंगे, और इनको पलट पलट के इन द सेम वे हम टमाटर भी इसके ऊपर रख लेंगे कुछ इस तरह से। और अभी हम इन्हें करेंगे जी भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखें जी, बैंगन जो है वो श्रिंक हो गया है, इट मीन्स कि ये भुन गया है। और आप टमाटर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा जर करीब करें, ये देखें स्किन जो है वो खुद उतर रही है, दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो अभी हम इनको उतार लेंगे जी। तो अभी हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि अभी गर्म है, मैं इनके ये जो छिलका है ये उतार लूँगी और फिर हम इन्हें कर लेंगे जी मैश। जी, तो अभी मैंने क्या किया, जब ये भुन गए तो मैंने इनके ऊपर से छिलके उतार लिए, और अब ये बहुत आसानी से मैश हो जाएंगे। तो इनको हम बहुत अच्छा सा मैश कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा मैश हो गया, तो हम इसको अब किसी भी बॉल में शिफ्ट कर लेंगे। जी, तो अभी हम बैंगन को इसी तरह से मैश कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा भुन गया है। लहसुन भी इसके अंदर ही है जो मैश हो जाएगा, इसको भी हम मैश कर देंगे जी। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई जी। अभी हमने जो योगर्ट को फेंटा था वो ले लेंगे, और उसमें हमने जो बैंगन का भरता बनाया है, बैंगन को बहुत अच्छा सा भून के तो हमने उसको मैश किया है, वो डाल देंगे। बैंगन चले गए जी। इसमें मैंने दो हरी मिर्चें ली और उनको भी दोरी में कूट लिया, वो डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें जो हमने टमाटर भुने थे और मैश किए थे वो डाल देंगे। चलें, दो से ढाई टेबलस्पून मैं इसमें प्याज जो मैंने बहुत फाइन जो है वो स्लाइस में किए हुए हैं वो डाल दूंगी, वो चले गए जी। और 1.5 टेबलस्पून इसमें बहुत फाइन कटा हुआ धनिया ऐड कर दूंगी, धनिया भी चला गया जी। और अभी इसमें जाएंगे जी स्पाइसेस। स्पाइसेस में हम क्या करेंगे, स्पाइसेस में टेस्ट के मुताबिक हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे इसमें जी 1/2 टीस्पून, सॉल्ट जाएगा और रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे 1/2 टीस्पून। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं ग्रीन चिलीज,
और अभी हम इसको करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। जी तो हमारा बैंगन का रायता रेडी है, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।